गाइज वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और फिर लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइज मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट एनर्जीज के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग इमोशन थाट्स आपके लिए क्या हैं। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। पॉजिटिव रहना है गाइस, और अगर आप उसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव, देखते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, डेथ एंड रीबर्थ। ऑल राइट, ओके। सो गाइस यहाँ पर मुझे ये नज़र आता है कि अभी सेपरेशन चल रहा है आप दोनों का, शायद ब्रेकअप जैसी सिचुएशन भी है। और यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है जैसे कि आप अपने पार्टनर को जब भी देखते हो तो यही नज़र आता है कि वो बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, हैप्पी हैं अपनी लाइफ में, हैप्पीली आगे बढ़ रहे हैं। सो आप इसमें हो कि क्या फिर से कुछ है हमारा, मतलब क्या ये आएंगे वापस से मेरी तरफ, क्या इस कनेक्शन ये कनेक्शन क्या फिर से जुड़ेगा, या हम दोनों फिर से मिलेंगे, क्या इस कनेक्शन में चीज़ें आगे बढ़ेंगी, क्या फिर से सब कुछ पहले जैसा हो पाएगा, तो ये समझ में नहीं आ रहा है आपको, अब कंफ्यूज हो। आई फील आपने इनसे बहुत बारी बात करने की कोशिश की है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो उम्मीद है आपको कि शायद वो आए लौट के, लेकिन कहते ना डे बाय डे उम्मीद टूटती जा रही है, उम्मीद ख़त्म होती जा रही है, तो वैसा हो रहा है आपके साथ। कई बार आप ऐसा भी देखते हो कि मेरी लाइफ पहले कैसे हुआ करती थी और अभी क्या हो गई है, ऐसा भी कई बार आपको महसूस होता है। पहले आप ज़्यादा यू नो हंसते खेलते ऐसे रहते थे, लेकिन अभी बहुत उदास उदास से और बहुत परेशान से रहते हो, हमेशा बस एक सोच में डूबे रहना वो एनर्जी आपकी रहती है, तो समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है ये। दी एम्प्रेस, नाइट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। सी आपके पार्टनर आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं बट अभी वो थोड़े कंफ्यूज हैं आपको लेकर के। किसी तरीके का मैरिज प्रपोजल भी इनकी तरफ से मिल सकता है, लेकिन अगेन कहूँगी कंफ्यूज हैं। अगर आप किसी तरीके के कमिटमेंट का या मैरिज प्रपोजल का वेट कर रहे हो इनकी तरफ से, आ तो सकता है लेकिन अभी ये फैसला नहीं ले पा रहे हैं, कंफ्यूज हैं बहुत ज़्यादा कि इनको आपकी तरफ मैरिज प्रपोजल लेके आना चाहिए कि नहीं, कमिटमेंट देनी चाहिए कि नहीं, इस चीज़ को लेकर के कन्फ्यूज़ हैं, अभी किसी फैसले पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। रही बात फीलिंग्स की, तो फीलिंग्स तो हैं आपके लिए बट फिर भी कंफ्यूजन है कुछ चीज़ों को लेकर के। देखने की कोशिश करते हैं कि किस बात को लेकर के कंफ्यूजन है। आई फील कि इनकी लाइफ में ऑप्शंस हैं और भी, इस वजह से कंफ्यूज हैं कि मैं क्या चूज़ करूँ अपने लिए।
लेट्स सी क्यों कंफ्यूज है ये. प्लीज यूनिवर्स क्लियर कीजिए. टू ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्स. यस ऑप्शन है भाई इनकी लाइफ में, इनकी लाइफ में ऑप्शन है. आपके अलावा भी कोई और है और ये नहीं फैसला कर पा रहे कि कौन सही और कौन गलत. जस्टिस कार्ड है यहाँ पर. क्या मेरे लिए सही रहेगा, क्या मेरे लिए गलत रहेगा, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है. मे बी हो सकता है कि एक आप हो, दूसरा इनकी फैमिली की तरफ से आया हुआ कोई प्रपोजल है, या ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है. तो एक तरफ उनकी वाइफ या हस्बैंड है और एक तरफ आप हो, तो वो चूज़ नहीं कर पा रहे या नहीं कर पा रही हैं और वो अभी बहुत स्टक है. किसके साथ ज़्यादा खुश रहेंगे, किसके साथ ज़्यादा अच्छी लाइफ रहेगी आगे, समझ में नहीं आ रहा है इनको और ये कोई एक फैसला नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये आपकी तरफ बढ़ भी नहीं रहे हैं. हायरोफेंट, हैंगमैन, शादी को लेकर के टोटली स्टक, नो क्लियरिटी, और शायद आपको भी इन्होंने अटका करके रखा है. सी ये थोड़ा सा स्पेस चाहते हैं खुद के लिए, थोड़ा सा टाइम चाहते हैं ये, देन उसके बाद ये कुछ करना चाहते हैं. सोच करके बहुत परेशान हो गए हैं ये. और अगर शादी जैसा अगर कुछ मैटर चल रहा है ना आप दोनों का, तो ये किसी भी तरीके की क्लियरिटी पर अभी नहीं है. इनको बहुत कुछ चाहिए अपनी लाइफ में, बहुत कुछ. यस, मतलब ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि लोग देख के यही कहें कि भाई इसका, इसके फैसले बड़े अच्छे जाते हैं, ये कुछ बेहतरी करता है या बेहतरी करती है, ऐसा है कुछ. फोर ऑफ वॉन्स, हर्मिट, याद आते हैं इनको वो पल जो आपके साथ बिताए हैं इन्होंने. ये जिंदगी भर उन पलों को अपने साथ कैरी भी करना चाहते हैं. ये कोई ऐसा रिश्ता बनाना चाहते हैं जो कभी खत्म ना हो, कभी नहीं. इनकी आप ये कह सकते हो कि ये भटके हुए हैं, ये बहुत अलग अलग तरीके की बातें करते हैं. इनकी बातें अलग हैं, इनके एक्शंस अलग हैं. ये बातें कुछ और करेंगे, एक्शंस कुछ और लेंगे, इनका कुछ ऐसा है. और दूसरी बात यह है कि जो इनको फीलिंग्स आ रही है ना, जो इनका दिल इनसे कह रहा है, उसके ऊपर पूरा भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये इतना परेशान है. एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपकी तरफ, ऑफ कोर्स फीलिंग्स भी हैं, नज़र रखते हैं आपके ऊपर. एक बात बता दूं मैं, कहाँ जाते हो, क्या करते हो, किन लोगों से मिलते हो, दोस्ती यारी कहाँ, क्या कैसी, जो भी है, ऑनलाइन चेक करना सब है. स्पाई करते हैं आपको. और एक और चीज़ बता दूँ, आई थिंक थोड़ा सा सुन के आपको अजीब लगे, बट एक और चीज़ बता दूँ, आपके जो ये पार्टनर है ना जिनके साथ आप ये डील कर रहे हो, ये हमेशा अपनी लाइफ में बेहतर की तलाश में रहते हैं. आपका क्या है, जो मिल गया, जो पसंद आ गया, उससे बेहतर कुछ नहीं है, ये आपकी सोच है. आपके पार्टनर का ये है कि क्या पता इससे भी बेहतर कुछ हो. ठीक है, बस ये जो बेहतर की तलाश है ना, ये इनको किसी फैसले पर नहीं जाने दे रही.
और ये बेहतर की तलाश कभी ख़त्म नहीं होती, और इंसान कभी लाइफ में सेटिस्फाई नहीं होता, और उसकी लाइफ कभी स्टेबल नहीं हो पाती, वो हमेशा भटकता ही रहता है बेहतर की तलाश में। जैसे ये बुद्धा हैं, ये मैंने बुद्धा देखे, मुझे पसंद आए, कि चलो इससे और बढ़िया देखते हैं, पता चले ये भी चले जाए मेरे हाथ से, और बढ़िया का तो कुछ पता ही नहीं है, जो है नहीं उसके बारे में सोच रहे, और जो है उसकी कदर नहीं है, ऐसा है इनके साथ। लालच जिसे कहते ना मन में आ जाना, तो वो इनके चल रहा है अभी। ओके क्या पता बेहतर की जगह कुछ और मिल जाए, फिर क्या करेगा इंसान? कोई भी चीज़ बेहतर नहीं होती, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। चीज़ें मिलती हैं, लोग अपने बिहेवियर से, अपने एक्शन से उसको बेहतर, बेहतरीन और बेहतरीन बनाते हैं। परफेक्ट चीज़ नहीं मिलती, परफेक्ट बनानी पड़ती है। परफेक्ट कोई नहीं होता है, बनाना पड़ता है। और जैसा ये कर रहे हैं ना, ऐसे तो इनके हाथ खाली रहने वाले हैं, कुछ नहीं लगने वाला ऐसे, तो सोचते रहो फिर बैठे बैठे। गार्डन इन द गेट, सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, डोर टू रोमेंस। ख्यालों में खोए रहते हैं आपके ऑफ कोर्स, बट एक लालच तो है मन में, क्योंकि फिर अगेन यहाँ पर गार्डन इन द गेट आ गया, रेस्ट एंड रेजुविनेशन, थोड़ा पीस चाहते हैं अभी, मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। रोमांटिकली बहुत कुछ सोचते हैं आपके बारे में, लेकिन ना तो पूरी तरीके से आपके पास आ पा रहे हैं, ना आपसे दूर हो पा रहे हैं। आप ये कह सकते हो बीच में अटक गए हैं, ना तो आपसे बात कर रहे हैं, ना आपसे मूव ऑन कर रहे हैं, ख्यालों में रहते हैं आपके, सोचते रहते हैं आपके बारे में। इनडिसीजन अगेन, एंजल ऑफ बैलेंस, डिसीट। ओके एक्चुअली अगर रिलेशनशिप की बात रहे ना, सिर्फ रिलेशनशिप की, तो आपके पार्टनर को कोई दिक्कत नहीं है आपके साथ कंटिन्यू करने में, बट आगे अभी सिचुएशन ऐसी बन रही, या तो आप उनसे कमिटमेंट मांग रहे हो, या अब टाइम ऐसा आ रहा है, आप दोनों की एज ऐसी आ गई है कि अब शादी का या कमिटमेंट की बात होंगी होंगी। इसलिए जब तक रिलेशनशिप था तो ये बेफिक्र थे, लेकिन अभी जब फैसला शादी को लेने को आया ना, तो ये बहुत डीपली, बहुत ज़्यादा और हर तरीके से सोचने लग गया, हर एंगल से सोचने लग गया। इस वजह से ये डिसीज़न हो गया, इस वजह से ये जो है कोई भी डिसीज़न नहीं ले पा रहे, इस वजह से कोई फैसला नहीं ले पा रहे, क्योंकि एक रिलेशनशिप का क्या था कि आज है चलो कल नहीं सही लगा तो ब्रेकअप कर लिया, बट शादी ऐसे नहीं होती है, शादी को निभानी पड़ती है, तो भाई उसके लिए ये जो है बहुत सोच रहे हैं, आप ये कह सकते हो नेगेटिवली सोच रहे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं, दोनों एंगल से सोच रहे हैं, तो ये इनकी सोच यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। मतलब आप ये कह सकते हो कि जो शख्स ऐसा था कि हाँ भाई तुम सही हो सही हो सही हो, आज जब बात आई है शादी की, तो फिर वो सही में भी फिर कमियाँ देखने लग गया, और कहीं ऐसा ना हो जाए आगे जाके, कहीं वैसा ना हो जाए आगे जा कर के, ये सारे थॉट्स आने लग गए, इसलिए हैं ये कंफ्यूज। गेट टू नो ईच अदर, और भी जानना चाहते हैं आपके बारे में अच्छी तरीके से, इमोशनल है ये आपके साथ, चॉइसेस हैं इनके पास, परेशान है इन चॉइसेस को ही लेकर के कि समझ में नहीं आ रहा है कि बेस्ट कौन सा, ब्रेक चाहते हैं अभी ये, क्योंकि इनका ये है कि नहीं भाई अभी सोच सोच के मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। ज़्यादातर फोकस इनका आपके ऊपर ही है, ज़्यादातर अट्रैक्ट ही आपकी तरफ ही है, तो हायरली चांसेस हैं कि फैसला भी आपकी तरफ आए, बट ये मान के चलो कि ऑप्शंस तो और भी हैं इनकी लाइफ में। ओके एंड आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके के आप पर्सन हो, अपने आप की वैल्यू को समझो, अपने आप की कीमत को समझो,
आप ऐसे पर्सन हो जो कि प्यार देगा, ठीक है, मतलब आप ऐसे नहीं हो जिसके मन में कुछ और है और जुबान पे कुछ और, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। आपको बल्कि ये सोचना चाहिए कि वो पर्सन बहुत लकी होगा जो जिसको आप मिलोगे, राइट? तो आपको ये सोचना चाहिए, ये नहीं कि अरे यार मेरी लाइफ में क्या हो गया, नहीं, आपको प्राउड फील करना चाहिए खुद के ऊपर कि आपकी इंटेंशन क्लियर है, आपके थॉट्स क्लियर हैं, आपका प्यार प्योर है। तो भाई अनलक्की तो वो हुए जो उस चीज़ की कदर नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ को पहचान नहीं पा रहे हैं। आपको इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको उतना नेगेटिवली सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने आप को डीमोटिवेट करना और इमोशनली जो है परेशान करना बनता ही नहीं है, क्योंकि आपको प्राउड होना चाहिए खुद के ऊपर कि आप एक ऐसे पर्सन हो कि जिसको मिलोगे ना उसकी ज़िंदगी में प्यार ही प्यार भर दोगे आप। तो इस बात को लेकर के कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है? आपकी कोई गलत सोच नहीं है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हो, किसी को दुख तकलीफ नहीं देना चाहते हो आप। तो आपको अपनी तरफ ये थोड़ा सा प्राउडली देखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बट शायद आप खुद कई बार ही नेगेटिव हो जाते हो कि अरे क्या होगा, तो ऐसा मत करो, ठीक है? जो भी होगा आपके लिए अच्छा होगा। कुछ चीज़ें हमें नहीं पता होती क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, बट कुछ अच्छे के लिए हो रही होती है, राइट? थोड़ा समय बीत जाता है तब पता चलता है, तब मालूम चलता है कि यार जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, बेहतरी के लिए हुआ। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखें तो अच्छी बात है। द पावर ऑफ उदी, ग्रोथ, ध्वनि। उदी आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने प्रॉब्लम जो भी है उसके हिसाब से। आप देखो उदी का क्या इस्तेमाल आप कर सकते हो, गूगल आप कर सकते हो उसके लिए, उदी का इस्तेमाल करो। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि जब तक आप एक मेंटल पीस लेकर के नहीं आओगे ना, उदी दवा, हीलिंग, ठीक है, आप हीलिंग से इसको जोड़ सकते हो। जब तक आप खुद को हील नहीं करोगे तब तक ग्रोथ नहीं होगी आपकी लाइफ की। जब तक आप फालतू की चीज़ों को धुनी में नहीं डालोगे ग्रोथ नहीं होगी आपकी। बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, बहुत ज़्यादा डरना, गुस्सा, वो हर छोटी बात को लेकर के हर्ट हो जाना, चीज़ों से जेलस फील करना, क्योंकि कभी कभी हम नहीं करना चाहते किसी भी चीज़ से जेलस फील, बट हो जाता है। जब तक इन सब चीज़ों को आप धुनी में नहीं डालोगे ना, मतलब इन सब चीज़ों को सोचना नहीं बंद करोगे ना आप, जब तक ऐसी चीज़ों को इग्नोर नहीं करोगे तब तक ग्रोथ हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आप उन्हीं में फंस के रह जाओगे। 24 घंटा टेंशन रही ना तो कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में, सिर्फ टेंशन में उलझ के रह जाओगे, टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो उस टेंशन को धुनी में डालो, मतलब अपनी लाइफ को क्या करना है आपने कि अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर दो टोटली। बस ये देखो कि अभी मैं क्या कर सकती हूँ और सिर्फ वो करो, आपकी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व होती जाएंगी। अगर आपने उस चीज़ पर फोकस कर लिया ना कि मुझे अभी क्या करना चाहिए या अभी मैं क्या करूँ अपनी ग्रोथ के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अगर उस पर फोकस कर लिया ना तो आपकी जो बाकी की जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान दोगे तो ऑफकोर्स लाइफ में बहुत कुछ पा जाओगे। बस कुछ भी करो, बस स्टक मत रहो, ठीक है, एक जगह पर अटके मत रहो लाइफ में, चाहे कुछ भी करो, बट ऐसा होना चाहिए कि हर दिन आप आगे बढ़ो। ऐसा ना कि आप बैठ करके रो रहे हो या परेशान हो और सोच सोच के टेंशन ले रहे हो, ये आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, ये आपको दुनिया से बहुत पीछे कर देंगे और दुनिया बहुत आगे निकल जाएगी। और थोड़े टाइम बाद जब आप उभर के आओगे ना तो आप खुद के ऊपर गुस्सा करोगे कि मैंने वो कितना कीमती टाइम अपना खराब किया, तो वो नहीं करना है आपने। और रही बात इस पर्सन की, इस बात को ध्यान रखो कि ठीक है, आप जितने एफर्ट ले सकते थे आपने लिए, अब आपके हाथ में कुछ नहीं है तो फिर सरेंडर करके चलो, ठीक है? जब तक आपके हाथ में है एफर्ट लेते रहो, कोशिश करते रहो, क्योंकि वो बनता है। बाकी जब कोई कोशिश ही ना बचे हाथ में तो फिर सरेंडर कर दो। ओके,
सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।